केजरीवाल क्या खा रहे हैं, इस पर जमकर सियासत हो रही है। ईडी ने अदालत में कहा था कि केजरीवाल मेडिकल के आधार पर जमानत लेने के जेल में आलू पूरी और मिठाई खा रहे हैं। इस पर केजरीवाल के वकील ने अदालत में सफाई दी। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक बार प्रसाद के तौर पर आलू पूरी खाई। अरविंद केजरीवाल जी के घर से आम भेजे जाते हैं, पूरी छोले भेजे जाते हैं, मीठी चीजें भेजी जाती हैं, तली चीजें भेजी जाती हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए। अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोकने की, अरविंद केजरीवाल जी की दवाई रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी ऐसी साजिश ना करें, इसलिए उनको तिहाड़ जेल से हटाकर उत्तर प्रदेश के डासना जेल भेजना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की रिहाई का रास्ता क्या सेहत से होकर गुजरेगा, क्योंकि पीएमएलए कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है और उसी केस में मनीष सिसोदिया को कई महीनों से जमानत हासिल नहीं हो पाई है। ऐसे में केजरीवाल की जल्द रिहाई रेगुलर जमानत के रास्ते से तो होती नहीं दिखती, और यहीं पर बीजेपी की एंट्री होती है जो कह रही है कि केजरीवाल साजिश रचकर सेहत के आधार पर जेल से रिहाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने तो केजरीवाल को दिल्ली की जेल की बजाय गाजियाबाद की जेल में भेजने की मांग करना शुरू कर दिया है। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसी साजिश ना करें, इसलिए उनको तिहाड़ जेल से हटाकर उत्तर प्रदेश के डासना जेल भेजना चाहिए, ताकि जेल उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सके और वो इस तरह की कोई भी सहानुभूति लेने वाली कोई साजिश न कर सके। बीजेपी के नेताओं ने आरोपों की झड़ी लगा दी। सब एक सुर से कह रहे हैं कि केजरीवाल साजिश रच रहे हैं और ये सब जमानत हासिल करने की कोशिश है। लेवल 2 की उनको डायबिटीज है, उसमें ऐसी मीठी चीज को देखना भी पाप है। और अरविंद केजरीवाल जी के घर से आम भेजे जाते हैं, पूड़ी छोले भेजे जाते हैं, मीठी चीजें भेजी जाती हैं, तली चीजें भेजी जाती हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए। उन्हें शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है। दूसरी तरफ जो उनको घर से खाना मिल रहा है, जो अनुमति के आधार से उनको मिल रहा है, उसमें वो आम मिठाई पता नहीं क्या क्या खा रहे, जिससे चीनी बढ़ जाती है, चाय में भी चीनी डाल रहे हो। अब कोई व्यक्ति अगर किसी बीमारी से ग्रसित है तो क्या उसे परहेज नहीं करना चाहिए कि अपनी मनमर्जी से इस तरह के वो खाना खाना चाह रहे हैं, चाहे वो आम हो या ऐसी चीज जिसमें शक्कर ज्यादा हो, ताकि उनके इंसुलिन में गड़बड़ी हो और वो कह दे कि भाई मैं कितना बीमार हूं और उनको जमानत मिल जाए। तो ये देखिए कितना बड़ा ये शख्स नौटंकीबाज है। आखिर बीजेपी नेताओं ने ये क्यों कहा कि केजरीवाल सेहत के आधार पर जमानत हासिल करना चाहते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है ईडी की वो रिपोर्ट जो उसने कोर्ट को दी है। इसमें ईडी ने साफ कहा है कि जेल में केजरीवाल आलू पूरी से लेकर आम तक खा रहे हैं। डॉक्टर ने उनको ये सब खाने से मना किया है, तब भी वो ये सब खा रहे हैं। इस पर कोर्ट में जमकर बहस हुई। केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि ये सब आरोप गलत है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मकसद सिर्फ एक नैरेटिव सेट करना है, ताकि ये राय बनाई जा सके कि केजरीवाल जेल में ऐशो आराम से रह रहे हैं। बयानों में बड़ा फर्क दिखता है। केजरीवाल के वकीलों ने कहा है कि 48 बार घर से खाना आया, आम सिर्फ 3 बार था, 8 अप्रैल के बाद आम नहीं खाया। ईडी कहती है कि केजरीवाल जेल में आलू पूड़ी खा रहे हैं। केजरीवाल के वकीलों ने कहा है कि सिर्फ नवरात्र में एक बार आलू पूड़ी खाई, वो प्रसाद के रूप में। ईडी कहती है कि डाइट चार्ट में मिठाई और फलों का जिक्र नहीं है। केजरीवाल ने कहा है कि मिठाई और फल कभी कभार खाए, इसको लेकर नतीजा नहीं निकाला जा सकता। तिहाड़ के वकील ने कहा है कि एम्स ने राय दी कि केजरीवाल को आम नहीं खाना चाहिए। इस पर केजरीवाल ने कहा है कि 3 बार ही आम खाया। केजरीवाल के वकीलों ने जो दलीलें दी उस पर ईडी भी अपना जवाब दाखिल कर चुकी है। केजरीवाल की मांग है कि उनको उचित इलाज मिले और अपने डॉक्टर से राय लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इजाजत मिले। लेकिन ईडी से लेकर तिहाड़ प्रशासन तक की रिपोर्टें बता रही हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। घोटाले से बढ़कर अब बहस केजरीवाल की सेहत पर आकर टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। 20 दिन के बाद एम्स के एक डॉक्टर ने केजरीवाल की सेहत की समीक्षा की, उनको राय दी और चेकअप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी इससे संतुष्ट नहीं है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को धीमी मौत देने की साजिश का आरोप लगा दिया है। आज सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दावा नहीं लेकिन कोशिश हो रही है कि केजरीवाल की किडनी लीवर हार्ट को डैमेज होने दिया जाए, ताकि बाद में इलाज मुमकिन ना रहे। अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया जाना,
क्योंकि सबको कोई ना मानना है, मानना तो अरविंद केजरीवाल को है ना। पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है, लेकिन अब क्या आप उनकी जान लोगे? क्या जेल में केजरीवाल की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या केजरीवाल शुगर की बीमारी से परेशान हैं? और क्या केजरीवाल को जानबूझकर किसी के इशारे पर सही इलाज नहीं दिया जा रहा है? ये सवाल इस वक्त हवा में तैर रहे हैं। तिहाड़ जेल ने साफ किया है कि शनिवार को ही एम्स के सीनियर शुगर स्पेशलिस्ट के साथ केजरीवाल की 40 मिनट तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई गई। तिहाड़ जेल प्रशासन के मुताबिक एम्स के स्पेशलिस्ट ने कहा है कि चिंता की बड़ी बात नहीं है, केजरीवाल जो दवाएं ले रहे हैं वो लेते रहें, नियमित आधार पर उनकी सेहत की समीक्षा की जाएगी। आपको बताते हैं कि एम्स के डॉक्टर्स ने क्या कहा और इस पर आम आदमी पार्टी ने क्या सवाल उठाए। तिहाड़ ने कहा है कि स्पेशलिस्ट से बात में केजरीवाल ने इंसुलिन का मुद्दा नहीं उठाया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि 300 शुगर लेवल है, इंसुलिन क्यों नहीं दे रहे? तिहाड़ ने कहा है कि केजरीवाल को स्पेशलिस्ट से मशविरा मिल चुका है, पूरे 40 मिनट तक बातचीत हुई है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि तिहाड़ ने मान लिया है कि 20 दिन तक केजरीवाल को स्पेशलिस्ट को दिखाया। तिहाड़ ने कहा है कि स्पेशलिस्ट ने ग्लूकोज डाइट दवा की जानकारी ली है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जानबूझकर सीएम केजरीवाल की जान खतरे में डाली जा रही है। शक शुभों के बीच आम आदमी पार्टी दो टूक आरोप लगा रही है कि तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है, तिहाड़ जेल की रिपोर्ट को गलत ठहराया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इलाज नहीं देकर उनको धीमी मौत की तरफ धकेला जा रहा है। केजरीवाल के मंत्री दावा कर रहे हैं कि इलाज नहीं मिला तो केजरीवाल के दिल, जिगर और किडनी को नुकसान होगा, ऐसा नुकसान जो ठीक नहीं हो सकता, इसलिए छिपाना चाहती है ताकि उनको दवा ना दी जाए। और दवा क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि वो चाहते हैं अरविंद केजरीवाल की शुगर बढ़ी रहे, उनको इंसुलिन दिया ना जाए, तर्क और कुतर्कों से टीवी में माहौल बना के रखा जाए और अरविंद केजरीवाल के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, रेटिना है आंखों का, ये सब परमानेंटली और इरिवर्सिबली डैमेज हो जाए। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में इंसुलिन नहीं देकर उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। तो मैंने कब कहा कि जेल में इंसुलिन नहीं है? मैंने तो यह कहा कि जेल में इंसुलिन है, जेल में इंसुलिन दिया जाता है मरीजों को, खुद बता रहे हैं सैकड़ों मरीजों को इंसुलिन दिया जा रहा है जेल में, अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सबको कोई ना मानना है, मानना तो अरविंद केजरीवाल को है ना। अब इसी तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल को धीमी मौत देने के आरोप वाहियात है, केजरीवाल इंसुलिन नहीं ले रहे थे और अब उनके इंसुलिन को लेकर झूठे दावे किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का चरित्र हम पहले दिन से कह रहे हैं, झूठ, मक्कारी और धोखा, और इस धोखे में इन्होंने अपने नेता को भी नहीं बख्शा। ये बार बार कहते रहे कि धीमी मौत दी जा रही है केजरीवाल को, ये केजरीवाल की रिपोर्ट है, केजरीवाल इंसुलिन ले ही नहीं रहे थे। उन्होंने खुद बताया कि तेलंगाना के डॉक्टर से सलाह करने के बाद मैं कुछ महीने से इंसुलिन मैं नहीं ले रहा हूं, मैं तो एक ऑरल टैबलेट ले रहा हूं, वो टैबलेट इनको दी जा रही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिहाड़ और बीजेपी के दावों को झूठा करार दे रहे हैं। तिहाड़ में जेल के करीब प्रदर्शन होने लगे हैं। अब कल का दिन काफी अहम है, जब ये साफ होगा कि केजरीवाल की सेहत को लेकर कोर्ट क्या रुख अपनाता है। केजरीवाल की सेहत को लेकर ईडी पहले ही जवाब दाखिल कर चुकी है। अब केजरीवाल का इलाज कब, कैसे और कहां से होगा, ये कोर्ट को तय करना है। पंकज जैन के साथ अनमोल बाली, आज तक। सवाल ये है कि क्या केजरीवाल सेहत के आधार पर कोर्ट से जमानत हासिल कर सकते हैं? ये इतना आसान नहीं है। उनके वकीलों को ये साबित करना होगा कि केजरीवाल को ऐसे इलाज की जरूरत है जो तिहाड़ जेल के अस्पताल में नहीं है। लेकिन कोर्ट में सुनवाई से पहले ही तिहाड़ ने एम्स के डॉक्टर से केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दी। ऐसे में निगाह इस पर रहेगी कि क्या कल केजरीवाल को कोर्ट से सेहत के आधार पर कुछ राहत मिलेगी या नहीं।
Sir, ED's counsel was saying that he is having mango sweets and tea with sugar in the prison. Is that correct? Whatever he is having is as per the doctor's prescribed diet. Chart has been placed before the court. The diet chart had mangoes and sweets. We placed before the court. Regularly consuming sweet foods, which is not permitted for any diabetes patient. Kejriwal ki sugar ko lekar ED aur Kejriwal ke vakil alag alag daave kar rahe. ED zor dekar sabit karna chahti hai ki Kejriwal khud lapravahi barat rahe. Lekin Kejriwal ke vakil isko galat bata rahe. बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल खुद की सेहत से खिलवाड़ करके जमानत का रास्ता तैयार करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या केजरीवाल अपनी सेहत का हवाला देकर जमानत हासिल कर सकते हैं या नहीं। अहम इसलिए क्योंकि कुछ महीनों पहले ही केजरीवाल सरकार के एक मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने सेहत के आधार पर जमानत दी थी और उन्होंने बाहर इलाज कराया था, लेकिन बीमारी के आधार पर जमानत हासिल करना इतना आसान भी नहीं है। केजरीवाल वो हाई प्रोफाइल आरोपी हैं। शुगर की बीमारी से जूझते केजरीवाल के वकील अगर साबित कर सके कि उन्हें हाई केयर की जरूरत है जो जेल में मुमकिन नहीं है, तो जमानत पर विचार हो सकता है। लेकिन ऐसी हालत में तिहार जेल प्रशासन भी ये साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा कि जो भी इलाज चाहिए वो जेल के अस्पताल में मौजूद है। इस इलाज के लिए केजरीवाल की रिहाई की जरूरत नहीं है। तिहार जेल ने जो केजरीवाल की रिपोर्ट भेजी है उसमें अभी से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि केजरीवाल के साथ सब ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि तिहाड़ जेल प्रशासन की रिपोर्ट झूठी है। इस रिपोर्ट के अंदर उनकी जो रिपोर्ट दी गई है उसमें रैंडम शुगर नापी गई है, यानी कि जब शुगर कम हो जाती है वो शुगर लगा के दे दी गई है। ये हास्यास्पद रिपोर्ट है, झूठ का पुलिंदा है और अरविंद केजरीवाल जी को मारने का षड्यंत्र है। उपराज्यपाल का बयान भी। सवाल ये है कि कल केजरीवाल के केस में अदालत क्या रुख अपना सकती है। इसका जवाब ये है कि डायबिटीज कितना गंभीर है और कितनी केयर की जरूरत है, इसे तय करने के लिए अदालत मेडिकल टीम बना सकती है। अगर मेडिकल टीम बनी तो इसमें दिल्ली के कई बड़े अस्पताल के डॉक्टर्स हो सकते हैं। केजरीवाल का मेडिकल चेकअप किया जा सकता है। इसके बाद डॉक्टर्स की टीम अदालत में रिपोर्ट देगी। तिहाड़ जेल से अलग से रिपोर्ट ली जाएगी। दोनों का मिलान किया जा सकता है। ये देखा जाएगा कि जेल के भीतर कौन सी सुविधाएं हैं जो शुगर के पेशेंट के लिए जरूरी है और नहीं मिल पा रही है। अगर अदालत को लगा तो मुख्यमंत्री को मेडिकल आधार पर जमानत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।